नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह रहनुमाई प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं हूँ फिजा हुसैन और हमारी रहनुमाई के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे वालिदैन का खौफ, परेशानी और फिकर और नाबीना बच्चों की शख्सियत पे इसके असरात। प्यारे वालिदैन, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि जितनी मोहब्बत, फिकर और एहसास आपको अपनी औलाद की है, कोई उसको उस तरह महसूस नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी है कि हमारी ये खौफ, परेशानी और फिकर हम पर इतनी हावी ना आ जाए कि हम अपने बच्चों में मौजूद सलाहियतों को भी इस्तेमाल करने का उन्हें मौका फराहम ना करें और जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनको देकर भेजा है वो उनसे महरूम रह जाएं। हमें ये बात याद रखनी है कि वालिदैन का ताल्लुक औलाद से पहले भी, बहैसियत बंदा हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से है और अल्लाह ताला ने हर शख्स को इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम हर तरह के हालात और वाकयात का सामना कर सकें और ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किल और परेशानी का मुकाबला कर सकें। अगर हमारे दिल में यही खौफ पलता रहा तो ये खौफ हमारे बच्चे की शख्सियत को भी मुतासिर कर सकता है और उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकाबला करने के बजाय उसे कमज़ोर और नाअहल बना सकता है। और कोई भी वालदैन कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनके बच्चों में कोई भी महरूमी या कमी रह जाए। और फिर हम तो वालदैन हैं और अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, तो हमें भरोसा करना है, आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को बाएतमाद बनाना है, उनमें मौजूद तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करने का उनको मौका फराहम करना है। हो सकता है कि आपका बच्चा दूसरे लोगों को भी ये कहने पर मजबूर कर दे कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो प्यारे वालिदैन, आगे बढ़ें, हौसला करें, हमारी रहनुमाई कदम कदम पर आपके साथ है, चाहे वो घरेलू मामलात हो या पेशा वराना, हर तरह से हम आपके नाबीना बच्चों की रहनुमाई करने में आपके साथ कोशा हैं। ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं आपसे नए सेशन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।